एक बात बताइए, जो बाकी जैसे आप तो काफी एज हो गई आपकी, फिर भी आप मतदान करने के लिए यहाँ तक आई हैं इतनी कड़ी धूप में, तो बाकी लोगों को भी क्या कहेंगे, मतदान ज्यादा ज्यादा नहीं आना चाहिए? सब सबको आना चाहिए। मेरी बहू तो देखो दिव्या पर रही इस समय, लेकिन वो भी ट्रेन से आ रही है। मैंने कहा आप आइए और वोट डालिए। मोदी सब काम मान लो गरीबन का देख रहे। तो आपको क्या लग रहा है कन्नौज में क्या मुद्दे रहे हैं, किस आधार पर जो है वोटिंग? सब सोचना कर रहे हैं, गरीबन को बिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी राज में ये सब तो बढ़िया कि हम लोग जहाँ जाएँ कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे जैसे जाओ जैसे आओ, थोड़ी रात हो जाओ वो भी नहीं दिक्कत है। आपका नाम? सुशीला। वोटिंग कर ली? हाँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कन्नौज में क्या मतलब मुद्दे रहे आपके हिसाब से, अगर जैसे वोट मोदी? अच्छा, क्यों मोदी ही क्यों? मोदी क्यों करते हैं? मोदी सब काम मान लो गरीबन का देख रहे हैं, गरीबन को देख रहे हैं। आपका नाम? कामनी। आपने वोटिंग कर ली? दिखाइए अपनी शायरी, दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कन्नौज में क्या मुद्दे रहे हैं, किस आधार पर जो है वोटिंग? सब सोचना कर रहे हैं। अच्छा, गरीबन को बिल कर रहे हैं मोदी जी के लिए। हाँ। अच्छा, तो मोदी जी का ऐसा क्या काम आपको अच्छा लग रहा है? सब चीज़ अच्छा लग रहा है, सब अच्छा, सब सही है। आपका नाम? मेरा नाम ममता। आपने वोटिंग कर ली? जी। दिखाई शायरी दिखा दीजिए अपनी। तो आप क्या कह रही हैं मोदी के लिए, आप कह रही हैं कुछ? मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मोदी के इसीलिए मोदी को चुनना चाहते हैं इसी बार। अच्छा, राशन वगैरह जो है? हाँ, राशन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है उनकी सरकार, वही सरकार हमें लोगों को चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा वगैरह पहले? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, हम लोग कहीं भी चले जाते हैं बगैर डर नहीं लगता है। हाँ, अभी लोग जब ये लोग सरकार थी इन लोगों की, बहुत लोग कहीं भी जा नहीं सकते थे। हाँ, इसीलिए मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। आपका नाम? हमने अभी वोटिंग ही नहीं की। अच्छा, तो वोट तो करेंगी? हाँ करेंगे। तो क्या मतलब के मन में क्या है, क्या आधार है जिस पे वोटिंग करेंगे? हम वाजपेयी को देंगे वोट अगर होगा। कारण? कारण सब कुछ अच्छा चल रहा है मोदी की जी की, मतलब सब कुछ मिला है मुझको उनकी तरफ से, जैसे सिलेंडर या फिर हाँ ये सब मिला है। अच्छा, सुरक्षा? सुरक्षा भी सही से चल रही है। आपका नाम? मंजू रानी। आपने वोटिंग कर ली? जी। दिखा दीजिए अपने। इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी, आप काफी एजेड भी हैं, लेकिन फिर भी आप वोटिंग करने आई? भाई वोटिंग तो करनी है, वोटिंग करने आई थी और वोटिंग करके नहीं हम जा रहे हैं। आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो जरूरी रहे इस चुनाव में? अब देखो अब ये तो नहीं अभी, लेकिन हाँ जो सरकार है तो वो तो भाई अच्छी है, हाँ आएंगी वो भी अच्छी है। एक बात बताइए, जो बाकी जैसे आप तो काफी एज हो गई आपकी, फिर भी आप मतदान करने के लिए यहाँ तक आई हैं इतनी कड़ी धूप में, तो बाकी लोगों को भी क्या कहेंगे, मतदान ज्यादा ज्यादा नहीं आना चाहिए? सब सबको आना चाहिए। मेरी बहू तो देखो दिव्या पर रही इस समय, लेकिन वो भी ट्रेन से आ रही है। मैंने कहा आप आइए और वोट डालिए, लेकिन वो आ रही हैं वो, और वो देखो अभी छोटे बहू बेटा है, वो भी मैं घर पहुँच जाऊंगी तब वो आएंगे। मैम आपका नाम? उर्वशी देवी। आपने कर ली वोटिंग? हाँ वोटिंग कर ली। अपनी इंक दिखा दीजिए जरा। ठीक है मैडम, तो ऐसे नहीं आप ऐसे ठीक है। तो आपके लिए कौन से मुद्दे जो है काफी ज्यादा अहम रहे इस चुनाव? अब जो कुछ है सो सब अच्छा ही है, अच्छा ही है। हाँ, और हम वोट डाल के जा रहे हैं, इतनी गर्मी है, भीड़ ज्यादा नहीं है, और अभी हमारी बहू लड़का भी है, आसानी से वोट डाल लिए। हाँ, तो जैसे बहुत सारे लोग जो है अग अलग मुद्दे बता रहे हैं, क्योंकि अब वोट डालने आते हैं तो हमारे भी दिमाग में कई तरह के सवाल रहते हैं कि हम इस आधार पर वोट डाल रहे हैं कि हमें विकास चाहिए या फिर एजुकेशन चाहिए, मेडिकल? एजुकेशन और विकास यही हमें चाहिए, और क्या चाहिए, यही चाहिए हमें, और हमारे बहू लड़का भी आएंगे डालने के लिए, और बस हम इसी में खुश हैं। आपका नाम है? सुशीला। वोटिंग कर लिया आपने? जी। एक बार दिखा दीजिए अपनी शायरी, दिखा दीजिए। वोट नहीं डालेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बढ़िया। तो आप महिला हैं, क्या ऐसे मुद्दे आपके लिए अहम रहे हैं इस चुनाव में जिसके आधार पर आपने वोटिंग की हुई, या फिर जिसके आधार पर जो है जनता वोट कर रही है, क्या ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित? हम क्या बताएं, काम जो है, हम सब घर में रहते हैं कमरे में, कहाँ मालूम कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम अभी नहीं करे बस। अब जो होगा ऊपर वाले जाने। हाँ वो सब तो बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, मोदी राज में ये सब तो बढ़िया कि हम लोग जहाँ जाएँ कोई दिक्कत नहीं ना, सुरक्षा है हर चीज़ की, कोई डर नहीं ना। पहले के मुकाबले हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे जैसे जाओ जैसे आओ, थोड़ी रात हो जाओ वो भी नहीं दिक्कत है। एक बजे आओ, हाँ एक बजे आओ चाहे दो बजे आओ,
हमें लोगों कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, महिला सुरक्षा पे काम हुआ। हाँ बिल्कुल, ये सब तो बढ़ गया। आशा यादव, वोट डाल दिया आपने जी, जरा शाही दिखा दो अपनी, ये देखिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इटावा की अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर जो है वोटिंग चल रही है, कौन से ऐसे मुद्दे आपके लिए ज़रूरी रहे, अहम रहे? और विकास है, और क्या कहते हैं, एक्चुअली जो देखा जाए तो हर तरह से मतलब मेन चीज़ है मुद्दा जो इस समय महंगाई का सबसे ज़्यादा है। अच्छा। जी, महंगाई के मुद्दे पर जो है वोटिंग हो रही है, आपको लग रहा है? हाँ, वोटिंग तो हो रही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव की लहर या फिर उसी तरीके से जो है देखने के लिए मिलेगा? हाँ, बदलाव तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। मेन चीज़ तो हम लोग गवर्नमेंट हैं तो हम लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं, तो ओपीएस आनी चाहिए। आपका नाम है? ममता देवी। वोट डाल दिया? डाल दिया। जरा शायरी दिखा दो अपनी। क्या ऐसे मुद्दे जो है आपको लग रहा है कि इस बार बहुत ज़रूरी रहे हैं, और किन मुद्दों के आधार पर आपको लग रहा है वोटिंग हुई हो? आपके लिए कौन कौन से? पेंशन होने चाहिए जरूर जरूर। अच्छा, हाँ, और मेन मुद्दा तो यही है। अच्छा, मेन मुद्दा यही है। हाँ, हाँ, सर आपका नाम? अच्छा, तो इनके लिए भी आप, अब इनके लिए आप भी बता दीजिए कि क्या मुद्दे इनके लिए भी ज़रूरी रहे। हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा, मतलब मेन पेंशन का मुद्दा रहा है। और क्या भैया, देखो बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। पेंशन का मुद्दा आपको मतलब? हाँ, होना चाहिए। इसके अलावा और क्या आपको लगता है कि मुद्दे? सब कुछ अच्छा होना चाहिए देश के लिए, जो उम्मीदवार हो वो अच्छा काम करे। तो मतलब इस बार भी तो अलग अलग जैसे उम्मीदवार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन आपके आकांक्षाओं पे खड़ा होता है? ये नहीं भैया बताएंगे। मैम आपका नाम? सुनीता देवी। वोट डाल दिया? डाल दिया। इंक दिखा दीजिए अपनी, शाही दिखा दीजिए, देख ले साइन ले सादे। और क्या ऐसे मतलब आपको लग रहा है मुद्दे रहे हैं इस बार ज़रूरी जिनके आधार पर वोटिंग हुई होगी, क्या ऐसे आपके लिए कौन कौन से मुद्दे ज़रूरी रहे? हमारे लिए सब ठीक ही है। हाँ, सब ठीक है, कोई दिक्कत जरूरी मुद्दा ना? ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं आपका नाम? कृष्णा देवी। वोटिंग कर दी आपने? शाही दिखा दीजिए अपनी, ठीक है। तो मैम क्या ऐसे मुद्दे आपको लगता है इस बार? पहला सब सही है, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। रमेश चंद। आपने वोटिंग कर ली जी? दिखा दीजिए अपना, ठीक है। आपके लिए कौन से मुद्दे चुनाव में जरूरी? देखिए, बेरोजगारी है, और दूसरी बात ये है नौकरियों में जो प्राइवेट सेक्टर किया है, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है, जबकि नौकरियां देने का वादा किया था, वो नौकरियों में वो पेपर आउट हो जाता है, और क्यों आउट हो जाता है, ये सरकारी मशीनरी की व्यवस्था नहीं है, ढीली ढाली है। और शिक्षा एक समान होना चाहिए, दोहरी शिक्षा नहीं होना चाहिए। गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, अमीर का बच्चा उच्च शिक्षा में जा रहा, तो यहाँ मत विरोधाभास है, ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए, और इसी के ऊपर हमने वोट दिया है। ठीक, शुक्रिया। आपका नाम? बाबूलाल। वोटिंग कर लिया आपने? दिखा दीजिए अपनी। आपके लिए कौन कौन से मुद्दे जो हैं इस चुनाव में ज़रूरी रहे? चुनाव में ये है कि अपना वोटिंग है, दूसरा है अपने तो दिया वोटिंग, गरीबी इच्छा बहुत चल रही है। अब हम तो नौकरी तो नहीं है मेरी, किसान आदमी हूँ, छोटी दुकान है, इसी में गुजारा हो रहा अपना, बस इसी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं, इसी में कर रहे हैं अपना। हाँ, बस। आपने वोटिंग कर ली जी? मैम कर लिया मैंने। आपका नाम? राम कुमार। आपके लिए चुनाव में कौन कौन से मुद्दे जो है जरूरी रहे? मैम ऐसा। आपका नाम? नारायण हरि दुबे। वोटिंग कर लिया आपने जी? एक बार शाही दिखा दो इसमें ना शायद। हाँ, ठीक है, बढ़िया। कन्नौज में ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई होगी, आपको क्या लगता है? कन्नौज मुद्दे क्या, बस सुविधा वगैरह है मुद्दा, शांति वातावरण है, गुंडागर्दी नहीं है, उसी बात की वोटिंग है। विकास वगैरह हुआ है? हाँ, विकास जो होने का है जो हुआ बाद बाकी होगा। अच्छा। तो अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष है, मुखिया भी है, कन्नौज सीट पे जो है इस बार है वो सीट बदल ली उन्होंने, कुछ फायदा सपा को इससे या नुकसान? अभी कोई नुकसान नहीं ना फायदा है, वो तो वोट खोलने पे ही होगा कि ये मतदान जो हुआ है किसकी पक्ष में जा रहा है, पाठक जी के उसमें है, यादव जी के उसमें है, अभी कोई क्लियर नहीं कर सकता है।